यदि आपका बजट है 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 खरीदना, तो आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 30,000। इसके साथ यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों, जब बात की जाए एक बेस्ट फोन अंडर 30,000 लेना, तो ऐसे में हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। तो उन्हीं सारे स्मार्टफोन में से मैंने 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन इंक्लूड किए जो कि सारे के सारे एक बेस्ट ऑप्शन तो निकल कर आते ही है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हो आपको कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए इन पांचों में से। और दोस्तों, यदि आपका बजट है 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना, तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एक बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 लेते समय आपको किन बातों को ध्यान रखते हुए खरीदनी चाहिए। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाए, और साथ ही में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल भी, जिससे आपको एक अल्ट्रास्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगी उस स्मार्टफोन में। इसके साथ ही उस स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 6GB की रैम देखने को मिल जाए, जिससे आप एक स्मूथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस कर पाएंगे स्मार्टफोन में। आज के दिन में हम में से काफी सारे लोग स्मार्टफोन से फोटोज क्लिक करना पसंद करते हैं, और ऐसे में उस स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप या फिर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, जिससे आप एक बेहतरीन फोटोज क्लिक कर पाएंगे। और लास्टली अब बात करें बैटरी की, तो स्मार्टफोन में आपको मिनिमम 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाए, जिससे आपको पूरे दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी ऑन अ नॉर्मल यूसेज। तो दोस्तों, आपके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिस्ट में टॉप 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन इंक्लूड किए जो कि सारे सारे एक बेस्ट ऑप्शन तो निकल कर आती है। इसके साथ ही यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 लेने वाले हैं, तो आपको कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए इन पांचों में से, या फिर आप एक बेस्ट वीडियोग्राफी फोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे, तो आपको कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए। और साथ ही में यदि आप एक बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे, तो आपको इन पांचों में से कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाले इसी वीडियो में, इस वीडियो का पूरा देखते रहे। और आज का हमारे लिस्ट की सबसे पहली स्मार्टफोन निकल कर आती है वीवो की तरफ से आने वाले वीवो V21 5G स्मार्टफोन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। और इस स्मार्टफोन में 6.44 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और वहीं पे प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक की तरफ से आने वाले डायमेंसिटी 800U 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही स्मार्टफोन आती है 8GB रैम और साथ ही में 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ। और अब बात करें कैमरे की, तो इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाती है। कैमरे फीचर्स की बात की, तो इसमें हमें डबल एक्सपोजर मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक क्रिएटिव फोटो शूट कर पाएंगे, और साथ ही में लो लाइट के लिए हमें सुपर नाइट मोड भी देखने को मिल जाती है। वीडियो फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अपटू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। और इस स्मार्टफोन के वीडियो फीचर्स में 2 इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में डुअल व्यू वीडियो मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप फ्रंट और रियर कैमरे दोनों को एक साथ यूज कर वीडियो शूट कर पाएंगे। और ये फीचर खास करके व्लॉगर्स के लिए एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है, जिससे आप इजीली व्लॉग कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप एक बेस्ट व्लॉगिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। और दूसरी फीचर ये है कि इसमें आपको मोशन ऑटो फोकस सिस्टम भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप मूविंग सब्जेक्ट्स की वीडियो इजीली शूट कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर मूविंग सब्जेक्ट्स की वीडियो शूट करते समय हमें काफी ज्यादा मोशन ब्लर देखने को मिल जाती है। और अब बात करें सेल्फी कैमरे की, तो ये स्मार्टफोन आते हैं 44 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरे के साथ। सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से 4K में अपटू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ ही में अल्ट्रा स्टेबल वीडियो मोड भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक स्टेबल वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन आती है 4000mAh बैटरी के साथ, और साथ ही में 33W की फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिल जाती है इसके साथ ही। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप एक बेस्ट सेल्फी कैमरे स्मार्टफोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे, या फिर आप एक बेस्ट ब्लॉगिंग स्मार्टफोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे, तो ये वीवो की तरफ से आने वाले वीवो V21 5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी डिजाइन भी देखने को मिल जाती है, और खास करके यदि आप व्लॉगिंग के लिए एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे, तो ये वाले स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। यदि आप ये स्मार्टफोन व्लॉगिंग के लिए लेने वाले हैं, तो इसके साथ ही आप एक अलग से मिनी ट्राइपॉड खरीदे, जिससे आप इजिली वीडियो शूट कर पाएंगे व्लॉगिंग के लिए। और इस मिनी ट्राइपॉड के लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, जानते हैं आज के लिस्ट की दूसरी स्मार्टफोन के बारे में। आज के हमारे लिस्ट की दूसरी स्मार्टफोन निकल कर आती है रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 8 7 मैक्स स्मार्टफोन।
और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन आते हैं 6.43 इंच के फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल। और यह काफी ज्यादा एक अमेजिंग बात निकल कर आ जाती है कि स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है और साथ ही में 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट, यानी कि स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यह स्मार्टफोन आते हैं 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। और अब बात करें वीडियो फीचर्स की तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 60fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात है कि इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K 30fps नहीं बल्कि आप 4K 60fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे और साथ ही में स्लो मोशन वीडियो अप टू 960fps तक। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में दो इंटरेस्टिंग और वीडियो फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, इसमें हमें पोर्ट्रेट वीडियो मोड देखने को मिल जाती है जिससे आप DSLR जैसे बैकग्राउंड ब्लर्ड वीडियो शूट कर पाएंगे और साथ ही में अल्ट्रा स्टडी वीडियो मोड भी देखने को मिल जाती है जिससे आप एक स्मूथ और एक स्टेबल वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके साथ ही स्मार्टफोन में हमें 16MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है और इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप फुल एचडी में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। बैटरी की बात करते हैं, यह स्मार्टफोन आती है 4500mAh बैटरी के साथ और अच्छी बात है कि इसके साथ ही हमें 50W की सुपर डार्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक बेस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको एक बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए और साथ ही में उस स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाए। तो ये Realme X7 Max स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है और एक गेमिंग स्मार्टफोन में एक बड़ी बैटरी होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है और साथ में 50W की सुपर डार्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। और आइए दोस्तों आप जानते हैं आज के लिस्ट की तीसरी स्मार्टफोन के बारे में। और आज के हमारे लिस्ट की तीसरी स्मार्टफोन निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुई ओप्पो रेनो 6 स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन आते हैं 6.43 इंच के फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ। इसके साथ ही स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाती है और यह पहली स्मार्टफोन निकल कर आती है जिसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G प्रोसेसर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें 8GB रैम और साथ ही में 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बात करें कैमरे की तो यह स्मार्टफोन आते हैं 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। नेक्स्ट अब बात करें वीडियो फीचर्स की तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में काफी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स देखने को मिल जाती है। सबसे नई और सबसे अच्छे फीचर्स ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको बोकेह फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो मोड देखने को मिल जाती है। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है कि आपको इस प्राइस पॉइंट में और एक स्मार्टफोन में ये फीचर्स देखने को मिल जाती है जो कि हमें काफी ज्यादा महंगे DSLR में ये फीचर्स देखने को मिलती थी। नेक्स्ट इसमें हमें फोकस ट्रैकिंग मोड देखने को मिल जाती है जिससे आप मूविंग सब्जेक्ट्स की वीडियो बिना किसी ब्लर के शूट कर पाएंगे। उससे भी अच्छी बात है कि इसमें आपको AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो मोड देखने को मिल जाती है और इस फीचर के यूज कर आप बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सब्जेक्ट्स को कलरफुल रख पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा यूनिक वीडियो फीचर लगी मुझे इस स्मार्टफोन के बारे में। और लास्टली इसमें हमें AI हाईलाइट वीडियो मोड देखने को मिल जाती है जो कि हमें ओप्पो रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन में देखने को मिली थी और इस फीचर के जरिए आपको एक अच्छी डायनामिक रेंज और साथ ही में लो लाइट में एरिया वीडियो शूट करते तो आपको एक अच्छी और एक ब्राइट वीडियो शूट कर पाएंगे स्मार्टफोन के AI हाईलाइट वीडियो फीचर्स के जरिए। सेल्फी कैमरे की बात करें, इस स्मार्टफोन में 32MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है और आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल एचडी में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। और अब बात करें बैटरी की तो यह स्मार्टफोन आते हैं 4300mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ और अच्छी बात है कि इसके साथ ही हमें 65W की सुपर फूक 2.0 चार्जर देखने को मिल जाती है और इस चार्जर के जरिए आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को 0-100% सिर्फ 28 मिनट में फुल्ली कर सकेंगे चार्ज। तो ये काफी ज्यादा यूनिक और एक अच्छी बात लगी स्मार्टफोन के चार्जर के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोग्राफी फोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे। तो ये ओप्पो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुई ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है क्योंकि स्मार्टफोन में काफी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि वीडियो शूट करते समय हमारे स्मार्टफोन की बैटरी काफी जल्दी ड्रेन होने लगती है और ऐसे में स्मार्टफोन में आपको 65W का सुपर फूक 2.0 चार्जर देखने को मिल जाती है जिससे आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को सिर्फ 28 मिनट में फुल्ली कर सकेंगे चार्ज। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी और एक एडेड एडवांटेज निकल कर आती है सारे वीडियोग्राफर्स के लिए। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लो लाइट में वीडियो शूट करना पसंद करते और उसके लिए आप एक बेस्ट वीडियोग्राफी फोन ढूंढ रहे थे तो ये वाली वीडियो भी आप
जरूर चेक करें। और आज के हमारे लिस्ट की चौथी स्मार्टफोन निकल कर आती है OnePlus की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुई OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन आती है 6.43 इंच के फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर 8GB रैम और साथ ही में 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो यह स्मार्टफोन आते हैं 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। नेक्स्ट अब बात करें वीडियो फीचर्स की तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे और वहीं पर स्लो मोशन वीडियो अप टू 240fps तक। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 32MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है जिससे आप एक अमेजिंग फोटोज क्लिक कर पाएंगे। और उसके साथ ही फ्रंट सेल्फी कैमरे से फुल एचडी में अप टू 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। बैटरी की बात करें तो यह स्मार्टफोन आती है 4500mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ और साथ ही में 65W की वॉप चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है जिससे आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को सिर्फ 30 मिनट में फुल्ली कर सकेंगे चार्ज। और ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है कि स्मार्टफोन के चार्जर के जरिए आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को काफी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन अंडर 30,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको एक स्ट्रॉक एंड्रॉइड जैसे यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिले, एक अच्छी कैमरा सेटअप और साथ ही में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, बात हो मल्टीटास्किंग की या फिर गेमिंग की, तो ऐसे में OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें दो इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले वीडियो फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें AI वीडियो इनहेंसमेंट देखने को मिल जाती है और दूसरी इसमें हमें डुअल व्यू वीडियो मोड देखने को मिल जाती है जिससे आप फ्रंट और रियर कैमरे दोनों को एक साथ यूज में लेकर वीडियो शूट कर पाएंगे और ये खास करके व्लॉगर्स के लिए एक अच्छी बात निकल कर आती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप वीडियो शूट करने के लिए एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। और आइए दोस्तों जान लेते हैं आज के लिस्ट की सबसे आखिरी स्मार्टफोन के बारे में। और आज का हमारे लिस्ट की आखिरी स्मार्टफोन निकल कर आती है Xiaomi की तरफ से आने वाले MI 11X स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन आती है 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और इस स्मार्टफोन में भी हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल और साथ ही में 360Hz की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाती है, यानी कि स्मार्टफोन में भी आपको एक अच्छी ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन आती है Qualcomm की तरफ से आने वाले Snapdragon 870 5G प्रोसेसर के साथ, 6GB की रैम और साथ ही में 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ। कैमरे की बात करें तो यह स्मार्टफोन आते हैं 48MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। वीडियो फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 4K में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे और वहीं पर स्लो मोशन वीडियो अप टू 960fps तक। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में काफी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स देखने को मिल जाती है जिसमें मैजिक जूम, स्लो शटर, टाइम फ्रीज, नाइट टाइमलेस और काफी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 20MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है और इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप फुल एचडी में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। बैटरी की बात करें तो यह स्मार्टफोन आती है 4520mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ और साथ ही में 33W की फास्ट चार्जर के साथ। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट और एक क्रिएटिव वीडियो शूट करने के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो ये MI 11X स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर्स देखने को मिल जाती है जो कि हमें किसी और स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलने वाली है। और खास करके यदि आप इंटरेस्टिंग और एक यूनिक वीडियो शूट करना पसंद करते तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि बेस्ट फोन अंडर 25,000 ढूंढ रहे तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।